हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। तो हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी संविधान, यानी कि जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी के नाम से भी जानते होंगे, इसका हमारा लेक्चर नंबर आज 21 होने वाला है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, और इसे हम पीटी और मेंस दोनों लेवल पर देखेंगे, और आपकी मेंस की आंसर राइटिंग और साथ में पीटी की भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पर। तो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जो भी हमारे सेकंड फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है वो लोग जानते हैं कि इसके आगे की जो क्लासेस है वो हमारी ऐप पर पड़ी हुई है। यहाँ पर जो अब इसके बाद की जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। ओके, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट भी चाहते हैं तो हमारी ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं। अभी आपको बता देंगे लास्ट में किस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ही काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारा एक जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब वो आगर विज्ञान से, तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ 99 रुपए में वो लोग ले सकते हैं, और हमारी ऐप पर वहां पर लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ मिलता है आप लोगों के लिए। अधिक जानकारी के लिए लास्ट में बता देंगे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, और इसको एकदम हलवा की तरह आज आपको पढ़ाएंगे। कभी भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला, जिसने इस वीडियो को पेशेंस के साथ देख लिया उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटी का, आईएएस और पीसीएस का अगर आप पेपर देते हैं या फिर वनडे एग्जाम का भी पेपर देते हैं, तो आपका पीटी और मेंस दोनों से अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी नहीं रुकने वाले। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, चाहे वो 250 शब्दों में पूछे गए हों या फिर एमसीक्यूज में पूछे गए हों या फिर 150 शब्दों में पूछे गए हों, सभी के अप्रोच आपका एकदम क्लियर कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेसिक से और अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट बनता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, आपको मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाते हैं कि भाई क्या होता है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल क्या होता है। तो आप लोग एक अच्छे से स्टोरी सुनिएगा, बस आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, आप लोग जानते हैं कि एक संसद होती है। ओके, तो संसद के ही ये सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, मानते हैं ये क्या है, पूरी संसद है। ओके, अब संसद कैसी हो सकती है, वो केंद्रीय भी हो सकती है या फिर राज्य की भी हो सकती है, अपने स्टेटों की भी हो सकती है। राज्य की जो विधायिका होती है उसको हम विधानसभा के नाम से जानते हैं। ओके, विधायिका के नाम से जानते हैं, और यही केंद्र की अगर हम विधायिका की बात करें तो हम उसे संसद के नाम से जानते हैं। और आप लोग जानते हैं जो हमारी केंद्रीय विधायिका है उसमें दो हाउस होते हैं, एक लोअर हाउस देखने को मिलेगा, एक अपर हाउस देखने को मिलेगा, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानते हैं। कि मानते हैं ये क्या है, ये सब है संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं। ओके, सदस्य हैं यानी कि आप कुछ भी मान सकते हैं इसके लिए। ओके, तो यानी कि इसमें सभी सदस्य, और इन्हीं सदस्यों में से सरकार बनती है, आप लोग जानते हैं, मानते हैं केंद्रीय संसद है हमारी। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसी में से कुछ सदस्यों को चुना जाएगा जो कि सरकार चलाएंगे। जैसे अभी सरकार किसकी है आपको देखने को मिलेगी, बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के ही लोग क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो पूरे संसद होता है, इसी में से लोगों का चुनाव किया जाता है, और इसी के अंदर एक अलग ग्रुप बनता है, यानी कि संसद बहुत बड़ी है, इसके अंदर एक ग्रुप बनता है जिसके लिए बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ये क्या है, ये वाला जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा ये है मंत्रिपरिषद। ध्यान से सुनिएगा, अभी सब कुछ आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ये क्या है, मंत्रिपरिषद आपको देखने को मिलेगी। ओके, यानी कि मंत्रिपरिषद है वो कहीं ना कहीं संसद के कुल सदस्य होते हैं, यानी कि संसद के आकार से छोटी होगी। ओके, अब देखिए ये मंत्रिपरिषद होती है, अब इसी में से कुछ और लोगों को चुना जाता है, इसका आकार और थोड़ा सा छोटा किया जाता है, तो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक और ग्रुप होता है। क्या होता है, एक और ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया ना, आपसे पूछा जाए कि मंत्रिमंडल बड़ी है या फिर मंत्रिपरिषद बड़ी है, तो आप लोग आराम से बता देंगे। देखिए अगर आपसे कोई आसान शब्दों में पूछे कि भाई मंत्री परिषद क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अभी आपको इंग्लिश में भी लिखा देते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, अब देखिए मंत्री परिषद क्या है, तो कुछ नहीं है, ये एक सदस्यों का समूह देखने को मिलेगा,
एक आपको समूह देखने को मिलेगा, लेकिन एक किसका समूह होता है, ये आपको मंत्रियों का समूह देखने को मिलेगा। मंत्री परिषद क्या है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब मंत्रियों का एक समूह, यानी कि सभी मंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद के आपको सदस्य देखने को मिलेंगे। ये समूह किसका है, ये आपको देखने को मिलेगा मंत्रियों का समूह है। किसका समूह है, मंत्रियों का समूह है। लेकिन आपको देखने को मिलेंगे मंत्री होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखिए इन्हीं मंत्रियों में आपको प्रकार देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो मंत्री होता है, जिसके पास मंत्रालय होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। तो देखिए कैबिनेट मंत्री है वो मंत्री परिषद का सदस्य होगा ही होगा। तो देखिए एक कौन होता है इसमें, कैबिनेट कैबिनेट मंत्री होता है। क्या होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। और इसके अलावा मंत्रियों की एक श्रेणी और होती है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो होते हैं राज्य मंत्री। दूसरी कैटेगरी होती है जो होती है राज्य मंत्री। ओके, एक और कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी मंत्रियों की, जिसे बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अभी आपको समझाएंगे, बस पेशेंस के साथ, एक स्टोरी के साथ, मूवी के साथ जैसे देखते हैं ना, वैसे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ओके, स्वतंत्र प्रभार। ओके, इसके अलावा एक और आपको मंत्रियों की श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसमें बोलते हैं, जिसको बोलते हैं उपमंत्री। क्या होता है, उपमंत्री होता है। तो भाई ये क्या होते हैं, ये पूरा ग्रुप बनता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और साथ में उपमंत्री, ये सभी मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। और इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, मंत्री परिषद बोलते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन आप देखेंगे मंत्रिमंडल क्या है, इसका और छोटा रूप देखने को मिलेगा और लघु रूप देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं कैबिनेट इंग्लिश में, जिस इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। उसी तरह से मंत्रिमंडल है, इसके लिए बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट कैबिनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी ये क्या है, एक मंत्रियों का समूह है। ये भी क्या है, एक समूह है। किसका, मंत्रियों का समूह है। लेकिन इसमें केवल और केवल केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इसीलिए इसको कैबिनेट भी बोला जाता है। देखिए अगर हम व्यवहार में बात करें, जो हमारे देश का शासन चलाया जाता है, वो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मंत्री परिषद के द्वारा चलाया जाता है। अभी आपको सब कुछ लिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, लेकिन आपको देखने को मिलेगा अगर हम व्यवहार की बात करें, तो जो छोटा सा ये समूह है, जो लघु समूह है, जिसे मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट बोलते हैं, रियलिटी में यही शासन चलाता है, क्योंकि इसका आकार काफी बड़ा होता है, जिस कारण डिसीजन लेने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। मुद्दों पे ज्यादा लोग होंगे तो क्या होता है, बकैती होती है। तो छोटा समूह होता है, वहां पर डिसीजन अच्छे से ले लिया जाता है, फिर बाद में मंत्री परिषद में वो चीज ले जाई जाती है और फिर वहां पर सभी मंत्री सहमति देते हैं, फिर बाद में वो आगे प्रोसेस चलता है। जैसे अगर प्रस्ताव पारित कराना होता है तो वो संसद में जाता है, वहां पर ये चीज होती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इस तरह से तो ये क्या है, सिर्फ आपको कैबिनेट का समूह देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक और ग्रुप आता है भाई। ओके, इसके अंदर एक और होता है। ओके, जिसको बोलते हैं किचन कैबिनेट बोलते हैं। देखिए किचन कैबिनेट में जरूरी नहीं मंत्री ही शामिल हो, एक क्या होता है इसके अंदर, लेकिन समानता आपको इसमें कैबिनेट मंत्री ही देखने को मिलेंगे। एक होता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। ओके, कैबिनेट देखिए इसमें बाहर से भी लोगों को शामिल कर लिया जाता है, समानता अगर आवश्यक होती है। एक किचन कैबिनेट क्या है, किचन का मतलब क्या होता है, रसोई। आपने देखा होगा महिलाएं क्या होती हैं, बातें करती हैं, जब भी कोई पर्सनल बात होती है ना, किचन में क्या होता है खुसुर खुसुर हो रहा होता है, बातें हो रही होती हैं। और वहां पर कौन सी बातें चलती हैं, बहुत ही प्राइवेसी वाली बातें चलती हैं, कि आज जो जो नन्हिया की मम्मी है ना, वो क्या कर रही थी। तो इस तरह की बातें चलती हैं वहां पर। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, कि आज वो तैयार होकर के कहाँ जा रही थी, वहां जा रही थी, शहर जा रही थी, और लौट के आई, वैसे 3 बजे आना था लेकिन 4 बजे आई, 1 घंटा कहाँ से लेट हो गया। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, कहाँ होती है, किचन में होती है। तो इसी तरह से सरकार भी शासन चलाती है, तो उसको भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करनी होती है। तो अब अकेले प्रधानमंत्री तो कुछ करेंगे नहीं, तो उन्हें क्या चाहिए होता है, कुछ विश्वास पात्र लोग होते हैं। विश्वास पात्र का मतलब क्या होता है, जिस पे ट्रस्ट होता है, जैसे औरतों पे ट्रस्ट होता है, एजी बताना मत उसको, एजी है, उनको इतना ट्रस्ट है कि एजी किसी को नहीं बताएंगे, इसलिए वो उनको बता देती हैं।
अब वो एजी है वो भी किसी पर ट्रस्ट करते हैं, इसी तरह से उन्हें लगता है कि हम इनको बताएंगे लेकिन ये किसी को नहीं बताएंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री को भी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन पर बात करने के लिए कुछ समूह की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। जो लोग इसमें शामिल किए जाते हैं उसी को बोलते हैं किचन कैबिनेट। ओके, किचन कैबिनेट है ये आपको व्यवहार में देखने को मिलेगा, जैसे कि यूएसए है, ब्रिटेन है, वहां भी किचन कैबिनेट का आपको एक देखने को मिलेगा। ये परंपरा चली आ रही है, तो भारत में ये परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, लेकिन इसका आपको जो वर्णन है वो आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि जो ये मंत्री परिषद होगी ना, इसका जो नेता होगा वो कौन होगा, इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, पीएम होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, और जिसका नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आखिर क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन कैबिनेट है, कौन राज्य मंत्री है, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, कौन उप मंत्री है। चलिए एक और स्टोरी आपको एक अच्छी सी सुनाते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाए कि कैबिनेट मंत्री किसे कहेंगे, राज्य मंत्री किसे कहेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे कहेंगे। तो देखिए आपको फिर से एक स्टोरी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए आपको इतने अच्छे से सारी चीजें समझाते हैं तो एक लाइक तो बनते हैं, लाइक नहीं करते हैं आप लोग ये तो गलत बात है। देखिए मानते हैं ये क्या है, एक मंत्रालय है। ओके, क्या है, मंत्रालय है, लेकिन हम इसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मान लेते हैं क्या है, ये घर है भाई, आपका ही घर है। ओके, या फिर पड़ोसी का मान लीजिए। ओके, तो ये घर है, अब घर है, इस घर का, इस मंत्रालय का जो भी प्रमुख होगा, इस घर का, इस मंत्रालय का जो भी प्रमुख होगा, प्रमुख होगा कोई तो प्रमुख होगा ना, इसका जो भी प्रमुख होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैबिनेट मंत्री बोलेंगे। यानी कि मंत्रालय के जो प्रमुख होता है, जो मंत्रालय का जो प्रमुख होगा, जो मंत्री, उसी को नाम दे दिया जाता है कैबिनेट मंत्री, नाम दे दिया जाता है। यानी कि घर का प्रमुख, यानी कि मंत्रालय का जो प्रमुख होगा, उसी को क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। और घर का प्रमुख कौन है, दादाजी है, मान लेते हैं दादाजी क्या है, घर के प्रमुख हैं, तो दादाजी क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे भाई। ये क्या हो जाएंगे, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री हो गए। ओके, दादाजी क्या हो गए, कैबिनेट मंत्री आपको देखने को मिलेंगे घर के। ओके, अब देखिए एक घर है, अब घर है ये तो पूरा एक मंत्रालय है मान लेते हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ओके, घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किसी को खाना बनाना होता है, किसी को सब्जी उब्जी लाना होता है, किसी को झाड़ू पोछा करना होता है। तो देखिए यानी कि सब क्या है, इसके अंदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एक क्या है, खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया जिसमें अलग है जैसे झाड़ू पोछा सफाई का डिपार्टमेंट हो गया, एक है जो वित्त का भी कोई व्यवस्था करता होगा वो डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरह से चलिए हम मानते हैं इस घर में भी हम कामों को बांट लेते हैं, इस घर में, ओके, इस घर में बहुत सारे काम होंगे। जैसे कि एक काम क्या होगा आपको देखने को मिलेगा कि खाना बनाने का काम होगा। ओके, तो खाना बनाना क्या है, एक मानते हैं डिपार्टमेंट हो गया। ओके, दूसरा काम क्या है कि बाहर से कुछ लेकर के आना है, बाहर से कुछ लेके आना, जैसे सामान लेकर के आना है, सब्जी लेकर के आना है, लाली लिपस्टिक लेकर के आना है, ये भी तो किसी को काम दिया जाएगा ना। तो देखिए खाना बनाने वाला काम आप सब तो नहीं करेंगे, बोले देखिए खाना बनाने का काम है वो कौन करेगी, वो करेगी पापा की परी। कौन करेगी, पापा की परी है भाई वो करेगी। यानी कि पापा की परी को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है। ये क्या है, खाना बनाने वाला क्या है, एक विभाग है। ये क्या है, विभाग है। ओके, ये क्या है, विभाग है। अब इस विभाग का मतलब खाना बनाने वाले विभाग का प्रमुख कौन है, पापा की परी। ओके, इसका जो भी प्रमुख होगा उसी को क्या बोलेंगे, राज्य मंत्री बोलेंगे। तो पापा की परी कौन हो गई, राज्य मंत्री हो गई। क्या हो गई, राज्य मंत्री हो गई। ओके, समझ गए, राज्य मंत्री किसे बोलते हैं। ओके, तो राज्य मंत्री कौन होता है, जो विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन होता है, जो मंत्रालय का प्रमुख होता है। इसी तरह से बाहर का काम भी सौंप दिया भाई, अब बाहर का काम किसको सौंप दिया, पप्पू या गुड्डू को सौंप दिया। ओके, यानी कि गुड्डू को सौंप दिया कि जाओ बेटा तुम्हारा काम है, घर में किसी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए, साबुन सोटा सब लेकर के आना है, 100 रुपए मिलेंगे उसमें से 70 रुपए बचा लेना है, 30 रुपए का सामान लेके आना है और बताना है कि सब खर्च हो गया। ओके, जो सभी भाई लोग करते हैं। ओके, तो
इनको अभी क्या दे दिया गया, एक विभाग दे दिया गया, यानी कि इस विभाग के बाहर के कामकाज का जो जिम्मा सौंपा गया वो गुड्डू को सौंपा गया। अब गुड्डू भी क्या बन गया, एक राज्य मंत्री बन गया। इसके पास भी क्या है, अपना एक डिपार्टमेंट है, तो ये भी क्या है, राज्य मंत्री। यानी कि एक मंत्रालय के अंदर बहुत सारे राज्य मंत्री होते हैं, और कई बार क्या होता है, गुड्डू के लिए दो काम भी सौंपे जा सकते हैं। गुड्डू से बोला तुम बाहर का भी काम करना और तुम्हें ऐसा भी करना है, इसके अलावा तुम्हें अपने जो भी लोग हैं उनको छोड़ने भी जाना है, लेने भी जाना है, मतलब ट्रांसपोर्ट का भी काम कर लेना है भाई। ओके, तो कई बार क्या होता है, राज्य मंत्री है, जरूरी नहीं उसे एक डिपार्टमेंट दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक राज्य मंत्री को एक से ज्यादा विभाग दे दिए जाए, एक से ज्यादा विभाग दे दिए जाए। ओके, क्या दे दिए जाए, एक से ज्यादा विभाग दिए जा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हो, इसी में आपको देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा कोई मंत्रालय, ऐसा कोई घर है जिसमें कोई प्रमुख नहीं है, ओके, जिसमें कोई प्रमुख नहीं है, जैसे कि अभी क्या है, यहाँ पर दादाजी हैं, तो दादाजी क्या है, कैबिनेट मंत्री है। लेकिन अगर किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री ना हो तो कैबिनेट मंत्री नहीं है उस घर में। जैसे आपने देखा होगा कई घर ऐसे होते हैं जिसमें माँ बाप नहीं होते हैं, या फिर वो घूमने चले जाते हैं, ऐसा मान लीजिए, ओके, घूमने चले जाते हैं, तो अब क्या है, इस मंत्रालय में क्या है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। अब जो राज्य मंत्री है ना, राज्य मंत्री है, इसी को कार्य सौंप दिया गया कि भाई आप कैबिनेट मंत्री वाले भी कार्य कर लेना, और आपको अपना डिपार्टमेंट है वो भी संभालना है। यानी कि यही राज्य मंत्री, यानी कि एक ऐसा राज्य मंत्री जिसके मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि जब घर में माँ बाप नहीं होते हैं, यानी कि घर में समझ लीजिए कैबिनेट मंत्री नहीं है, दादा दादी हैं, पापा मम्मी हैं, सब घूमने चले गए। अब डिपार्टमेंट तो वैसे ही बटा हुआ था कि भाई पापा की परी थी, उसको खाने वाला डिपार्टमेंट दिया था, और गुड्डू को बाहर वाला डिपार्टमेंट किया। लेकिन पापा या दादाजी बोल गए कि ए गुड्डू, तेरा काम है कि सबका सामान भी लेकर के आना है, और साथ में तुझे घर की जिम्मेदारी भी छोड़ के जा रहे हैं, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि दादाजी वाली जो कैबिनेट मंत्री वाली पावर थी वो भी अब गुड्डू को मिल गई। ओके, तो यहाँ पर दूसरे कलर से लिखा देते हैं। ओके, अब क्या हो गई, इस गुड्डू को मिल गई, तो इसी राज्य मंत्री को क्या बोल दिया जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब क्या हो गया भाई, ये स्वतंत्र हो गया, अब ये क्या करेगा, दादागिरी दिखाएगा। ओके, कहेगा कि अब ऐसा काम करे, आराम से बैठ करके गेम खेलेगा अपने आप गुड्डू, और सब काम किससे कराएगा, इससे कराएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब डांटने वाला कोई नहीं है, अब कैबिनेट मंत्री तो रहे नहीं मंत्रालय में। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इसको बोलते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो समझ गया, स्वतंत्र प्रभार किसे बोलेंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उसे बोलते हैं जिसके मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। और देखिए इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा इन सभी मंत्रियों के लिए, जैसे राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, इनके लिए हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए छोटे मंत्री होते हैं। जैसे गुड्डू का छोटा भाई होगा टुन्नू, ओके, अब टुन्नू क्या होगा, वो उसकी सहायता के लिए होगा, जब वो सब्जी लेने जाएगा तो वो पीछे पीछे उसके थैला पकड़ के जाएगा, खाली थैला होगा वो उसके साथ जाएगा। ऐसे ही आपको पापा की परी भी देखने को मिलेगी, वो खाना बनाएगी लेकिन उससे भी छोटी होगी, एक छुटकी होगी, छुटकी का काम क्या होगा, नमक उठा करके देगी, और थोड़ा तड़का वड़का लगाने का, पानी वानी लाने का काम होगी, वो कौन करेगी। यानी कि इन लोगों की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं, इन लोगों की सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उन्हीं को बोलते हैं उपमंत्री। ओके, क्या देखने को मिलेंगे, उपमंत्री देखने को मिलेंगे। समझ गए, उपमंत्री किसे कहते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन लोगों की सहायता के लिए उपमंत्री होते हैं। ओके, तो उपमंत्री क्या होते हैं, छोटे मंत्री होते हैं। इसके अलावा मंत्रियों की एक और ब्रांच देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं कैबिनेट सचिव भी बोलते हैं। देखिए कैबिनेट सचिव है वो भी होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव यहाँ से नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, वो इनकी सहायता करने के लिए आपको देखने को मिलेंगे, तो एक अन्य श्रेणी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्रम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट मंत्री होता है। ओके, मंत्री नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा।
देखिए कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होता है, और राज्य मंत्री होता है ओके राज्य मंत्री, और इधर भी लिख देते हैं कैबिनेट मंत्री। देखिए यही जो राज्य मंत्री होता है, यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास में इसकी पावर होती है कैबिनेट मंत्री की, वो मिल जाती है ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एक उप मंत्री देखने को मिलेगा ओके ओके। तो ये क्या होता है, क्रम होता है। देखिए कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए क्या होते हैं, ये इसकी सहायता के लिए होते हैं ओके। और उप मंत्री क्या होते हैं, इसकी सहायता के लिए, और साथ में इसकी भी सहायता के लिए आपको देखने को मिलेंगे ओके। तो ये चीज है, आप लोग समझ गए। कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं, ये मंत्रालय का प्रमुख होता है, मंत्रालय का प्रमुख होता है ओके। इसी तरह से जो राज्य मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री विभाग का प्रमुख होता है, जो मंत्रालय के अंदर विभिन्न विभाग होते हैं, विभाग का प्रमुख होता है ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और ये क्या होते हैं, इनकी सहायता के लिए होते हैं। चलिए इतना तो आप समझ गए भाई ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने एक बताया था मंत्री परिषद, और एक बताई थी मंत्रिमंडल। यही कैबिनेट, सभी कैबिनेट मंत्री मिलकर के क्या बनाते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी सभी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री मिलकर के क्या बनाते हैं, मिलकर के क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब कैबिनेट का निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं कैबिनेट। अभी आपको बताए थे एक समूह के बारे में ओके। अब देखिए जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कैबिनेट की, जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक क्या हो रहा है, बार बार यहां पर गलत लिख दे रहे हैं ओके। जब भी देखिए कैबिनेट की बैठक होती है, तो इस बैठक में जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जो मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती हैं उसमें अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना है। और जो राज्य मंत्री होते हैं ये अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा जो उप मंत्री होते हैं ये भी अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेते हैं। लेकिन देखिए अगर यही राज्य मंत्री, अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, तो एक कैबिनेट की जो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं, बैठक होती हैं, उनमें भाग ले सकते हैं, लेकिन जब उनको बुलाया जाएगा तब वो भाग ले सकते हैं ओके। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं आपको, जो कैबिनेट की बैठक होती है, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ओके। यहां पर देखिए जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की जो बैठक होती है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, कमिटी जो होती है ओके। तो देखिए ये जो बैठक होती है इसमें अधिकार पूर्वक भाग कौन लेता है, अधिकार पूर्वक भाग है वो कैबिनेट मंत्री लेते हैं। नंबर एक, कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं ओके। और इसमें राज्य मंत्री हैं वो भाग नहीं लेते हैं, उप मंत्री हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। और आपको देखने को मिलेगा इसमें जो भाग लेते हैं वो आपको देखने को मिलेगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए, व्हाइट कलर से लिखा देते हैं, लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री के बुलाए जाने पर, बुलाए जाने पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बैठक में भाग लेते हैं, बैठक में भाग लेते हैं ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब उन्हें बुलाया जाता है तो यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की इस कैबिनेट की बैठक में आकर के पार्टिसिपेट करते हैं ओके। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पर
कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा उप मंत्री होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, और थोड़ी सी चीजों के बारे में बताते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हम आपको एक डायग्राम बताए थे। तो देखिए इस तरह से आपको मंत्रिमंडल देखने को मिलेगी, मंत्रिपरिषद भी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके आकार के बारे में, बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा इसका आकार हो सकता है भाई। और फिर हम मंत्रिमंडल की भी बात कर लेते हैं कि मंत्रिमंडल है वो आखिर कितना बड़ा होगा, किस प्रकार की चीजें होंगी और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर सब विस्तार में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में। ओके, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, ये बता देते हैं यहाँ पर आप लोगों की जो विजन की टेस्ट सीरीज है वो आपकी आज से सॉल्व कराई जाएंगी। आज वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, वो अपलोड कर दी जाएगी। देखते हैं वेनसडे को, हो सकता है सप्ते में आपको 2 बार वीडियो मिला करे, या हो सकता है सप्ते में 1 बार मिले। आज ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी रिकॉर्ड कर लिया, अपलोड नहीं किया, इसी वजह से वही पीपीटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईएस बाबा है वो तुरंत, अभी जो क्लास चल रही है इस क्लास के बाद तुरंत आईएस बाबा की वीडियो हमें रिकॉर्ड करनी है। और ये भी आपको आईएस बाबा है मैगजीन है, ये पूरी आपको 1 साल की 1 ईयर की आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। ओके, 1 ईयर की पूरे पूरा यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो कवर कराया जाएगा आईएस बाबा मैगजीन, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कितने बजे चलेगी, तो ये आपको डेली 5 PM पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर 5 PM पर आएंगे तो आपको ये वीडियो मिला करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन आपको देखने को मिलेगी आईएस बाबा, और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इसके अलावा देखिए हमारा जो नया सेकंड फाउंडेशन बैच है ये भी स्टार्ट हो गया है, इसमें अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर परसों से यानी कि बुधवार से जो क्लासेस है वो नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है जियोमॉर्फोलॉजी से, तो जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जाकर के देख लीजिए। यहाँ पर नीचे कमेंट में भी लिंक डाल दिया जाएगा, उसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखने को मिल जाएगा। ये अचीवर बैच है जो हमारा चल रहा है, ये प्लेलिस्ट है हमारी यूट्यूब पर बनी हुई, जाकर के देख लीजिए। इसी में एक वीडियो होगी, उसको आप लोग देखेंगे तो सविस्तार में समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या किस तरह से मिलने वाला है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, बहुत कुछ आपको मिलता है, तो हमारी ऐप जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी, पॉलिटी तो ये चल ही रहा है, ये सेकंड फाउंडेशन बैच के ही वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर हमारी तबियत बेकार हो गई थी तो हमने अपने शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वहां पर डेली क्लास 7 बजे से 9 बजे तक चलती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लासेस हमने कहा था कि आपका जो भी छूट गया है वो कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका तो देख ही सकते हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी की भी वो डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस अचीवर वाले प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे तो समस्या वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वाला जो हमारा बैच है अचीवर बैच, इसमें जाकर के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नया ही बैच आपको देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी से ही क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हुई है, और ये हमारा पुराना बैच है सेकंड फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो फीस है सिर्फ 99 रुपए प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगी। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर कूपन कोड मिल जाएगा, और सिर्फ आपको 999 रुपए में आपको पूरी पूरी जो कोर्स है आईएएस और पीसीएस का, जो पूरा कोर्स है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कूपन कोड होंगे जहाँ पर 1350 रुपए का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा वन टाइम पेमेंट करने पर। अगर मंथली लेना चाहते तो भी बहुत कम है, 99 रुपए प्रति मंथ में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा कर लीजिएगा। अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, बीच में आ गया था पढ़ाते पढ़ाते, सोचा बता ही देते हैं हम लोगों के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मंत्री परिषद के बारे में, स्टोरी ध्यान रखिएगा दिमाग में, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद की बात करते हैं, और मंत्री परिषद को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो देखिए अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज तो बता दिए कौन कौन होते हैं, तो ये आपको समूह देखने को मिलेगा, मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह है। ओके, इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं, सभी
मंत्री शामिल होते हैं। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो आपको समानता आपको देखने को मिलेगा, इसमें 60 से 70 मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 60 से 70 मंत्री हैं वो समानता रहते हैं आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है लेकिन आप लोग ध्यान रख सकते हैं, वो देख सकते हैं। ओके, और एक आपको ये बड़ी संस्था देखने को मिलेगी, बड़ी संस्था देखने को मिलेगी। ओके, क्योंकि मंत्री परिषद के बाद ही मंत्रिमंडल आता है और उससे छोटी जो आपको देखने को मिलेगी वो किचन कैबिनेट देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसके आकार के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं जिससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराते हैं। अगर हम इसके आकार की बात करें, आप लोग देखिए पेज मत बदला करिए, देखिए हमारे पास जगह कम होती है, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसीलिए हमको स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग वहां से कंटिन्यू रखा करिए। ओके, अगर हम इसके आकार की बात करें तो देखिए इसका जो आकार होता है वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां संशोधन द्वारा इसका जो आपको देखना, ये कब हुआ था, ये 2003 में हुआ था, इतना ध्यान नहीं रखना होता, बस इतना ध्यान रखना है 91वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा इसके आकार को निर्धारित किया गया। पहले इसका जो मैक्सिमम आकार कितना बड़ा होगा वो नहीं बताया गया था, लेकिन फिर संविधान संशोधन करके बताया गया कि नहीं, आप ऐसा नहीं है कि जो मंत्री परिषद है उसका आकार बहुत बड़ा कर दे, क्योंकि जब आकार बड़ा होता है तो इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि जब भी कोई योजना या फिर कोई भी चीज लागू करने की बात आती है तो वहां पर समन्वय की कमी देखी जाती है। ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा बकैती होगी तो समस्या आ सकती है, और ज्यादा छोटी भी होगी तो भी समस्या आ सकती है। छोटी होगी तो क्या समस्या आएगी, यहाँ पर जो शक्तियां हैं उनका संकेंद्रण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया, इसके माध्यम से बोला गया कि जो मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी इसका जो आकार होगा मतलब मैक्सिमम होगा वो 15% से अधिक नहीं हो सकता। 15% से अधिक नहीं हो सकता, किसके 15% से, लोकसभा सदस्यों, लोकसभा सदस्य जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उन सदस्यों का 15%, यानी जितना भी 15% है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, भारत में आपको संघीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, संघीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो संघीय व्यवस्था में आपको मंत्री परिषद दो तरह की देखने को मिलेगी, एक तो आपको देखने को मिलेगी केंद्र की मंत्री परिषद। ओके, केंद्र की मंत्री परिषद, जिसको केंद्र की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद है इसके लिए संघीय मंत्री परिषद के नाम से भी जानते हैं, संघीय मंत्री परिषद के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा प्रांतीय मंत्री परिषद। एक केंद्र की मंत्री परिषद होगी क्योंकि केंद्र की भी अपनी सरकारें, राज्य की भी अपनी सरकारें होती हैं, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा प्रांतीय मंत्री परिषद भी देखने को मिलेगी। तो आपको दूसरी क्या देखने को मिलेगी, प्रांतीय मंत्री परिषद। ओके, प्रांतीय मंत्री परिषद आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए संघीय मंत्री परिषद में क्या है और प्रांतीय मंत्री परिषद में क्या है। तो देखिए अगर हम संघीय मंत्री परिषद की बात करें तो जो संघीय मंत्री परिषद है इसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। ओके, संघीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है मतलब प्रधानमंत्री होता है। वही प्रांतीय मंत्री परिषद होती है उसका प्रमुख कौन होता है, सीएम होता है मतलब मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, कौन होता है, सीएम आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसके आकार पर आए तो देखिए जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, जो केंद्रीय मंत्री परिषद है इसमें आपको देखने को मिलेगा केंद्रीय मंत्री परिषद में न्यूनतम कितने लोग हो सकते हैं, न्यूनतम कितने लोग हो सकते हैं, और हम देखते हैं अधिकतम, अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं। तो देखिए हमारे संविधान में न्यूनतम कितनी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो कितनी होगी इस बारे में डिफाइन नहीं किया गया, मतलब
इसके बारे में नहीं बताया गया, मतलब कम तो भाई रख सकते हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अधिकतम बोला गया है, मैक्सिमम बोला गया है। तो अधिकतम है वो आपको देखने को मिलेगी, जो मैक्सिमम है वो 15% लोकसभा के, शॉर्ट में देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एल एस का मतलब है लोकसभा, तो लोकसभा सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, नीचे नहीं लिख देते वरना आप कहेंगे यहाँ पर क्रॉस क्यों लगा दिया, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है, उससे कम ही रहेगा। इसके हिसाब से तो अगर आप निकालेंगे तो लगभग में 81 लोग निकल के आते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, केंद्रीय मंत्री परिषद है वो कितनी बड़ी हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रांतीय मंत्री परिषद में क्या बोला गया है हमारे संविधान में। ओके, तो देखिए जो प्रांतीय मंत्री परिषद है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो न्यूनतम न्यूनतम और अधिकतम, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो देखिए इसमें बोला गया है जो न्यूनतम है वो कम से कम 12 होंगे। देखिए संघीय की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय की बात करते हैं, उसमें न्यूनतम नहीं बताया गया, लेकिन जब हम प्रांतीय की बात करते हैं तब इसमें न्यूनतम बोला गया। क्यों बोला गया अभी आपको समझाते हैं। तो देखिए आपको देखने को बोला गया इसमें कि न्यूनतम कितने होंगे, 12 मंत्री तो भाई होने ही होने चाहिए, कितने होने चाहिए 12 मंत्री तो कम से कम होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने हैं तो आपको देखने को मिलेगा जो विधानसभा है, विधानसभा क्या है, राज्य की विधायिका होती है, उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। ओके, तो देखिए विधानसभा है ये, विधानसभा का 15% आपको देखने को मिलेगा, तो विधानसभा का 15% से अधिक ना हो, अधिक ना हो। अब देखिए आखिर देखिए यहां पर प्रांतीय में न्यूनतम की बात क्यों की गई है, कम से कम की क्यों बात की गई। देखिए ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपको देखने को मिलेगा राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, जैसे केंद्र की विधानसभा है वो तो फिक्स है उसमें इतने लोग हैं, लेकिन राज्य की जो विधायिकाएं होती हैं, राज्य की जो विधायिकाएं होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा उनका आकार कम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, उन्हें किस अनुसार लिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में लिया जाता है। आप सोचो कोई राज्य अगर छोटा है तो उसमें क्या होंगे, उसकी विधायिका भी छोटी होगी। अब विधायिका छोटी होगी तो उसका अगर हम 15% निकालेंगे तो हो सकता है 3 लिख ले, 4 लिख ले, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, शक्तियों का संकेंद्रण हो जाएगा, तानाशाही को बढ़ावा मिलने लगेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए बोले कि न्यूनतम 12 मंत्री कम से कम तो होने ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर जगह नहीं है, हम आपको एग्जाम्पल के लिए आगे बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रांतीय प्रांतीय जो मंत्री परिषद है उसकी बात कर रहे होंगे, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको देखने को मिलेगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, विधानसभा की, विधान सभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्या होती है, राज्य की विधायिकाएं होती हैं। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें मैक्सिमम कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में आपको जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम सदस्य देखने को मिलेंगे, कितने सदस्य हैं, 403 है। तो देखिए यहाँ पर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, अगर इसका 15% निकालेंगे तो लगभग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 60 लोग निकल के आएंगे। ओके, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आप जैसे ही जाएंगे दूसरे राज्यों में, जैसे कि पुदुचेरी, पुदुचेरी में जाएंगे, ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, आप सिक्किम में जाएंगे, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा चौथा गोवा, इसके अलावा पांचवा आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, और जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखने को मिलेंगे मैक्सिमम में आपको 40 के आसपास ही देखने को मिलेंगे विधानसभा में सदस्यों की संख्या। पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगा 30 के करीब में है, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा 32 के करीब में, और अगर आपसे पूछा भी जाए सबसे कम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कहाँ है, तो पुदुचेरी में आपको देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद सिक्किम में देखने को मिलेगा, इसके अलावा गोवा मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं वहां पर आपको 40 के आसपास ही देखने को मिलेगा विधानसभा में सदस्यों की संख्या। अब देखिए अगर हम इनका 15% निकालें, इनका हम 15% निकालें तो लगभग में 4 से 5 लोग ही निकल के आते हैं, कितने लोग निकल के आते हैं, 4 से 5 लोग ही निकल के आते हैं। अब ये सोचिए 4 से 5 लोग ही क्या होंगे, मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, और ये सोचिए यही लोग क्या करेंगे, यही लोग क्या करेंगे,
शासन चलाएंगे पूरे राज्य का, और पूरे राज्य का शासन एक से दो लोगों के हाथ में क्या दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता था, या फिर शक्तियों का संकेंद्रण हो सकता था, शक्तियों का संकेंद्रण। ओके थोड़ा सा हैंग कर रहा है हमारा कंप्यूटर, कोई बात नहीं, शक्तियों का संकेंद्रण हो सकता था। इसीलिए बोला गया कि ना भाई, ऐसे राज्यों में भी जहां की जनसंख्या इतनी कम है, अगर इसका 15% है, वो 4-5 लोगों का ही निकल के आ रहा है। कहने के लिए 15% क्या है, मैक्सिमम 4-5 लोग रख सकते हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे, एक लोग रख लेंगे, दो लोग रख लेंगे, या फिर पूरा ही पूरी अपनी जो पावर है उसका उपयोग करते हुए 4 से 5 लोग भी रख लिया, तब भी तो ये संख्या बहुत कम देखने को मिलेगी ना। तो इसीलिए बोला गया कि भाई कम से कम 12 मंत्री तो होंगे, तो ये 12 मंत्री मिलकर के क्या करेंगे भाई, ये सारे सरकार के जो कार्यकारी कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। ओके इस वजह से व्यवस्था की गई, लेकिन केंद्र में करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां पर आपको लोगों की संख्या कम देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा में कितने होते हैं, 552 लोग आपको देखने को मिलेंगे। ओके तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, ये सारी चीज तो आप लोग समझ गए। ओके ये सारी चीज तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मंत्री। अब ये देखिए एक चीज और आपको यहाँ पर ही बता देते हैं, ये हम लोग बहुत देर से मंत्री मंत्री बात कर रहे हैं। ओके तो आपको एक चीज बता देते हैं, मंत्री, वैसे तो हम प्रधानमंत्री जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बता चुके हैं, आखिर ये मंत्री कौन बन सकता है, मंत्री है ये कौन बन सकता है, इसकी योग्यता, या फिर मंत्री कौन बन सकता है, कौन बन सकता है। ओके तो देखिए मंत्री है वो कोई भी बन सकता है, आप भी मंत्री बन सकते हैं। ओके तो देखिए मंत्री बनने के लिए क्या चीज चाहिए, मंत्री बनने के लिए आपको चाहिए कि आप विधायिका, जैसे अगर हम केंद्र की बात कर रहे हैं तो संसद का सदस्य होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सांसद होना चाहिए। सांसद का मतलब क्या है, संसद का सदस्य, संसद, संसद का सदस्य। ओके संसद का सदस्य होना चाहिए। ओके इसी तरह से अगर हम बात करें प्रांतीय की बात करें तो वो क्या होगा, विधानसभा का सदस्य, या फिर जो भी विधान परिषद है उसका सदस्य होना चाहिए। मतलब राज्य की विधायिका का हो, केंद्र है तो केंद्र में हम विधायिका को संसद बोलते हैं, तो संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर कोई सांसद नहीं है, जैसे आप क्या है, आप सांसद नहीं है, क्या आप मंत्री बन सकते हैं। ओके या फिर आपको देखने को मिलेगा कि वो सांसद हो या फिर सांसद बनने की योग्यता रखता हो, सांसद बनने की योग्यता रखता हो, मतलब अभी सांसद नहीं है तो भी वो व्यक्ति क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है, यानी कि आप कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, राज्य मंत्री बन सकते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन सकते हैं, उपमंत्री भी बन सकते हैं। आपके दिल में तो बहुत अच्छे से अरमान जाग गए होंगे, अब तो कहते होंगे यार मैं तो क्या करता हूँ, किसी के साथ चला जाता हूँ और मैं भी बन जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक शर्त है भाई, शर्त कौन सी है, आप संसद की सांसद बनने की योग्यता रखते हैं तो आप मंत्री बन सकते हैं केंद्रीय। इसी तरह से अगर हम राज्य की विधायिकाओं की बात करें तो आपको विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, या फिर उसके सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। ओके लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है उसके लिए छूट दी गई है, सिर्फ 6 माह तक, 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, यानी कि 6 माह के पश्चात उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। इसी तरह से प्रांत की अगर हम बात करें तो प्रांतीय विधायिका की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अन्यथा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि मंत्री पद से वो स्वतः क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि फिर वो मंत्री नहीं रह सकता है। उसे क्या करना होगा, और इस समय अवधि का दोबारा से, ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा से 6 महीने खत्म हो गया फिर से उसी व्यक्ति को अगले 6 महीने के लिए मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं, एक बार मंत्री उसको बनाया जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बनना ऐसे नहीं है कि मोदी जी अब आए, अब मोदी जी आए तुम्हें उठा करके 6 महीने के लिए बना दिया, जैसे 6 महीने का कार्यकाल आपका मतलब पूरा हो गया तो आप क्या अभी सांसद नहीं बन पाए, अब आपको दोबारा से उठा करके तुरंत बना दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता है। ओके तो आपको देखने को मिलेगा कि 6 माह तक, ओके तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर आपको सदस्यता लेनी पड़ती है, सदस्यता
लेनी पड़ती है। ओके, तो अगर केंद्र के हैं तो केंद्रीय विधायिका का लेना पड़ेगा, राज्य के हैं तो राज्य की विधायिका का लेना पड़ेगा। ओके, और यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने जजमेंट में इसको जस्टिफाई भी किया था। वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस सन में आया था, 1997 में ये बोला था कि ऐसे व्यक्ति को जो सांसद नहीं है लेकिन वो उसकी योग्यता रखता है उसे 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसका क्या करना है, दोबारा से उसको नहीं बनाया जा सकता। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि बार बार उसकी समय अवधि को बार बार बढ़ा दिया जाता है या ऐसा करा जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखने का प्रयास करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। चलिए हम लोग थोड़ा सा मंत्रिमंडल के ऊपर आ जाते हैं। मंत्री मंडल, ओके, जिसको बोलते हैं कैबिनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैबिनेट बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये आपको एक लघु संस्थान देखने को मिलेगा, लघु संस्था देखने को मिलेगी। ओके, और देखिए जो व्यवहार में अगर हम बात करें तो जो शक्तियों का उपयोग होता है, कार्यकारी जो शक्तियां होती हैं वो इसी के पास निहित होती हैं। ओके, और इसमें मंत्रिमंडल में केवल केवल कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है, कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है, लेकिन इनकी बैठक में जब एक कैबिनेट की बैठक होती है तो इनकी जो बैठकें होती हैं उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी बुला लिया जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो समानता 15 से 20 सदस्य इसमें आपको समानता देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग में 15 से 20 मंत्री इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको देखने को मिलेगा इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे वहां पर बताया गया है 15% से अधिक नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन अगर हम बात करें जो मंत्रिमंडल होता है ये भी आपको दो तरह का देखने को मिलेगा, एक केंद्र का होगा एक राज्य का होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर बताना नहीं है इनके आकार के बारे में। एक आपको देखने को मिलेगा संघीय मंत्रिमंडल, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा एक प्रांतीय प्रांतीय मंत्रिमंडल। ओके, और व्यवहारिक कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो इन्हीं के पास आपको देखने को मिलेंगी। व्यवहार में जो सरकार की कार्यकारी शक्तियां होती हैं या फिर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहाँ लिए जाते हैं, यहाँ ही लिए जाते हैं। कार्यकारी शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। ओके, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक तौर पर देखें, ओके, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो मंत्री परिषद होती है उनके पास में होती है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो ये लेते हैं। और किचन कैबिनेट के बारे में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे वो देख लेते हैं एक बार। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब कुछ आपका ए टू जेड क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आपको आर्टिकल यहाँ से लिखना है, एक आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन से रिलेटेड, आर्टिकल 74। अब देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति, देखिए आर्टिकल 74 में ही मंत्रिपरिषद का वर्णन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिपरिषद का वर्णन आपको किस में देखने को मिलेगा तो आर्टिकल 74 से उसका संबंध है, आप बंद करके लगा देना है, कुछ भी आपका गलत नहीं होने वाला। तो देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को नंबर एक सहायता देने के लिए कॉमा परामर्श देने के लिए और आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। ओके, क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी और इसका जो प्रमुख होगा, इस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, पीएम होगा, यानी कि प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि मंत्रिपरिषद का जिक्र किसमें किया गया है, आर्टिकल 74 में किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए इसमें बोला गया, ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इसको ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति पावरफुल है, क्या है, राष्ट्रपति पावरफुल है, राष्ट्रपति केवल सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है और मंत्रिपरिषद कोई औकात ही नहीं। ओके, अब देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए इस कारण यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और आप जानते हैं संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस कारण ये जो चीज थी इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, और वो उसके अनुसार कार्य करेगा। एक लाइन क्या छोड़ दीजिए, वो उसके अनुसार यानी कि उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। किसकी सलाह के अनुसार, इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पर एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, और इसके बाद में फिर से एक संविधान संशोधन किया गया था 44वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से संविधान संशोधन संशोधन किया गया। इसके माध्यम से बोला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ओके, यानी कि क्या हो गया, वो बाध्य हो गया, यानी कि यहां पर क्या बनाया गया, बाध्यकारी बनाया गया। ओके, यानी कि राष्ट्रपति को बाधित किया गया, मतलब बाध्यकारी बनाया गया कि वो भाई विवश है, वो बाध्य है कि जो भी मंत्री परिषद सलाह दे रही है उस सलाह के अनुसार कार्य करे। समझ में आया? ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। और बोला गया जो भी ये सलाह दी जाएगी, ओके, ये जो सलाह दी जाएगी इस सलाह को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा जाएगा। ओके, इस सलाह को न्यायालय में चुनौती या कि न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जा सकती। जो भी देखिए मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी उसकी जांच नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जगह होगी हम लोग चेंज मत करिएगा। ओके, तो देखिए हम फिर से वही चीज लिख देते हैं, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके, सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, इस तरह से लिखते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मंत्रिपरिषद होगी, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और ये क्या देगी, सलाह देगी। ओके, और जो ये सलाह दी जाएगी किसके द्वारा, इनके द्वारा सलाह दी जा रही है, ये सलाह होगी, इसकी जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती। अब देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज करके और इतने अच्छे से इस चीज को क्यों लिखा हूँ, क्योंकि आपको अभी देखने को मिलेगा कि इससे एक चीज निष्कर्ष निकलता है कि जो भी मंत्री परिषद के द्वारा सलाह दी जा रही है ये गोपनीय है। क्या है, गोपनीयता को ये दर्शाता है। अगर इसकी जांच की जा सकती तो ये गोपनीय नहीं रहता, यानी कि जो कार्यकारी चीजें चल रही वहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं ये सारी चीजें क्या है, गोपनीय स्तर पर की जाती हैं।
यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो भी इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी चीजें होती है यहाँ पर, सलाह मशवरा होता है किसी मुद्दे पर, तो स्टार्टिंग में जो भी चीजें चलनी होती हैं वो गोपनीय होती हैं तब तक, क्योंकि देखिए वहां पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। जब उस पर एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है फिर वो जनता के सामने पेश की जाती है। ओके, फिर वो कहाँ की जाती है, जनता के सामने, संसद में पेश की जाती है। तो संसद के माध्यम से कहाँ आ जाती है, जनता में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये क्या होती है, एक गोपनीय होती है। तो आर्टिकल 74, अब देखिए समझ में आ गया ना, आर्टिकल 74 है वो मंत्रिपरिषद की गोपनीयता को भी दर्शाता है। ओके, समझ गए आप लोग। तो अगर आपसे इस तरह से घुमा करके पूछा जाएगा, ओके, ये डायरेक्ट ये शब्द नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसका संबंध आपको इस चीज से देखने को मिलेगा। इसीलिए हम इसको इस पीले कलर से लिखे थे, जिससे आपको कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर 1971 में, 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको देखने को मिलेगा मंत्रिपरिषद है, ओके, वो विघटित नहीं होगी, वो विघटित नहीं होगी कब, लोकसभा के विघटन के बाद भी, लोकसभा के विघटन के पश्चात भी, ओके। तो देखिए इसका क्या तात्पर्य हुआ, देखिए लोकसभा है उसका जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो हो सकता है कि जो लोकसभा है वो विघटित हो जाए। ओके, लोकसभा विघटित, लेकिन लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। ये मंत्रिपरिषद कब विघटित होती है, जब आपको देखने को मिलेगा जब नई सरकार आ जाती है, तब यहाँ पर मंत्रिपरिषद है जो पुरानी वाली उसको हटा दिया जाता है और नई मंत्रिपरिषद आती है। लेकिन लोकसभा है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करके यहाँ पर चली जाती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर 1971 में एक अपने जजमेंट के माध्यम से कि मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा अगर लोकसभा का विघटन हो गया है। फिर भी क्यों ऐसा बोला उन्होंने, देखिए इसलिए ऐसा बोला क्योंकि यहाँ पर बोला कि राष्ट्रपति है वो अपनी यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, जो कार्यकारी शक्ति है उसका उपयोग है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता है। इनकी जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद की सलाह पर ही किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति है वो व्यक्तिगत रूप से, वो व्यक्तिगत रूप से कार्यकारी शक्ति का उपयोग, मतलब यूज है वो उपयोग नहीं कर सकता है इसके अनुसार। इसीलिए क्या है मंत्रिपरिषद का यहाँ पर होना अनिवार्य हो जाता है कि भाई इसको विघटित ना करो, जब तक नई सरकार नहीं आती तो भाई इसको फिर हटा दिया जाएगा, फिर नई मंत्रिपरिषद आ जाएगी इसकी जगह पर। ओके, तो 1971 में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और इसी तरह से फिर से 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने, 1974 में एक दूसरा आपको देखने को मिलेगा मामला। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पुराना जो जजमेंट दिया था उसको फिर से दोहराया था, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इसमें बोला गया था कि जो राष्ट्रपति की संतुष्टि होगी, इसमें बोला गया राष्ट्रपति की जो संतुष्टि होगी, संतुष्टि, संतुष्टि का मतलब क्या है, राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए हैं उसकी बात की जा रही है। ये राष्ट्रपति की संतुष्टि होगी, ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी, राष्ट्रपति की व्यक्तिगत व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी, व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। तो भाई किसकी संतुष्टि मानी जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा ये मंत्री परिषद की संतुष्टि मानी जाएगी, मंत्री परिषद की संतुष्टि मानी जाएगी। ओके, तो ये जैसे कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लिया गया है तो वो भले ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अनुसार, राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हीं के अनुसार सारा शासन चलता है। कोई भी आदेश आएगा, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस आएगा, कोई भी प्रस्ताव आता है जब वो पारित होता है उसके बाद में
राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तब भी वो क्या होता है, प्रभावी होता है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर संतुष्टि कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है, लेकिन ये राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं, ये माना जाएगा ये मंत्री परिषद की है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आर्टिकल 75 है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 75, 74 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 75 है, अनुच्छेद 75 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 है वो मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों की बात करता है, जो मंत्रियों से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, अन्य उपबंध करता है। अन्य उपबंध का तात्पर्य क्या है भाई, अन्य उपबंध का तात्पर्य है कि उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उनका उत्तरदायित्व क्या है। अभी उत्तरदायित्व आप लोगों को समझ में आएगा, एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, दोनों अलग अलग देखने को मिलेंगे। एक होता है नियुक्ति और कार्यकाल और उत्तरदायित्व, इसके अलावा आहर्ताओं का मतलब होता है योग्यताएं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शपथ, ओके, जो कसम दिलाई जाती है, वेतन, इन सभी चीजों के बारे में अन्य उपबंधों के अंतर्गत ये आते हैं। तो आर्टिकल 75 किससे संबंधित है, जो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, आहर्ताएं और शपथ व वेतन से संबंधित है। आप लोग अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा। ओके, तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए रखे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको लिखा दिए जाएंगे। तो देखिए इसी आर्टिकल 75 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये बोलता है कि राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कहां बताया गया है, आर्टिकल 75 में बताया गया है। ओके, अब देखिए नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, और साथ में जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है अन्य मंत्रियों की। ओके, अन्य मंत्रियों करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तो करता है भाई, लेकिन यहां पर सलाह लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को, किससे, प्रधानमंत्री से सलाह लेनी पड़ती है। यानी कि प्रधानमंत्री कहता है कि इस पप्पू टप्पू सप्पू को ये मंत्री बना दो भाई, ओके, इनको शपथ दिला दो, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको शपथ दिला देंगे मंत्री के रूप में। यानी कि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को मंत्री नहीं बना सकते, मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, वो जो प्रधानमंत्री बोलेगा भाई इस व्यक्ति को बना दो, तो जो राष्ट्रपति होंगे वो प्यार से उस मंत्री को शपथ दिला देंगे, उसको नियुक्त कर देंगे, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और देखिए दूसरी जो चीज है जो इसमें काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी इसी आर्टिकल 75 में, दूसरा पॉइंट है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि बोलता है कि जो संघ के मंत्री होंगे, जो संघ के मतलब जो केंद्र के मंत्री हैं, संघ के जो मंत्री होंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ओके, अब देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ, इस सेंटेंस का तात्पर्य हुआ कि जो मंत्री होंगे, जो संघ के मंत्री होंगे, वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर आपसे पूछा जाए मंत्री की जो उत्तरदायित्वता है वो किसके प्रति है, तो राष्ट्रपति के प्रति आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। यही क्या है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मंत्री हैं, सभी मंत्री हैं, जो संघ के मंत्री हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, लिख लीजिए, यानी इसका अर्थ है कि
संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, और अब इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा, तीसरा पॉइंट, ये भी किससे संबंधित है, आर्टिकल 75 से ही संबंधित है। इसी में एक पॉइंट दिया रखा है जो सामूहिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। देखिए, इसी में आपको देखने को मिलेगा जो मंत्री परिषद, देखिए मंत्री की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरे समूह की बात कर रहे हैं। मंत्रियों के समूह को ही क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। देखिए, जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सामूहिक रूप से अगर उत्तरदायी की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति है, लेकिन मंत्री की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है, राष्ट्र के प्रति है। यही क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको देखने को मिलेगा जो मंत्रिमंडल है उसके जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मंत्री परिषद के लिए बाध्यकारी होते हैं, वो मानने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यानी कि अगर ये जो डिसीजन लिया गया है, इसका मतलब है अगर कोई निर्णय लिया गया है वो निर्णय माना जाएगा पूरे समूह के द्वारा लिया जा रहा है। ये किसके द्वारा लिया जा रहा है, पूरे समूह के द्वारा लिया जा रहा है। और ये समूह कौन सा है, ये आपको देखने को मिलेगा मंत्री परिषद। ओके, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ अगर ये निर्णय लेने में इस समूह में से कोई मंत्री, मानते हैं कोई मंत्री है अगर वो इससे सहमत नहीं है तो उसे क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री है वो कहेंगे राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को निकाल दो, यानी कि उस मंत्री का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को हटाया जा सकता है। यानी कि मंत्री परिषद के भंग होने से, विघटन होने से पूर्व भी किसी मंत्री को निकाला जा सकता है। क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्धांत है वो किस प्रकार का है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। यानी कि आप उस समूह में नहीं रह सकते हैं कि उसकी आइडियोलॉजी को आप फॉलो नहीं करते हैं, उस निर्णय का समर्थन आप नहीं करते हैं। यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका सभी मंत्रियों को, जो भी निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा यानी मंत्रिमंडल के द्वारा व्यवहार में लिए जाते हैं, तो अगर उन निर्णय से अगर सभी मंत्री हैं वो समर्थन कहाँ करेंगे, वो देखिए जो भी सदन होगा तो सदन के अंदर, और आपको देखने को मिलेगा सदन के बाहर दोनों जगह समर्थन करेंगे। ओके, अगर कोई समर्थन नहीं करता है तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसी के अनुसार आपको देखने को मिलेगा भीमराव अंबेडकर 1952 या 53 में होगा, भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल लाया गया तब आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया मंत्री परिषद से। ओके, इसी तरह से तीन तलाक के समय तीन तलाक स्टार्टिंग में जब लाया गया था, मतलब बिल की बात की गई थी उस समय, तो उस समय भी कई सारे जो मंत्री थे उन्होंने त्याग पत्र दिया था। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मंत्री है वो त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी मंत्री परिषद होगी वो विघटित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री है
वो भाई त्याग पत्र नहीं देगा। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर, उसके हटने पर क्या हो जाएगा, मंत्री पद धर जाएगी। और देखिए इसी सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार ही आपको देखने को मिलेगा, एक मंत्री के प्रति जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता, एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। आपको देखने को मिलेगा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो पूरी मंत्री परिषद के लिए आएगा। और एक कहां बताया गया है तो देखिए नोट करके आपको यहां पर ही लिखना है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए नोट करके। देखिए जो नियम संख्या, कौन सी नियम संख्या, जो लोकसभा की नियम संख्या है, जो लोकसभा लोकसभा की जो नियम संख्या आपको देखने को मिलेगी, नियम संख्या कौन सी आपको देखने को मिलेगी, 198। ओके तो देखिए इस नियम संख्या में बताया गया है कि एक मंत्री के प्रति प्रति अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। ओके और एक मंत्री के त्याग पत्र या एक मंत्री के हटने से मंत्री पद तो समाप्त नहीं होती, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, बल्कि पूरी मंत्री परिषद के प्रति लाया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। ओके ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके काफी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक महत्वपूर्ण और आर्टिकल है जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसमें आर्टिकल आर्टिकल 77। ओके देखिए आर्टिकल 77 है वो क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 77 है वो कहता है कि जितनी भी कार्यपालक की जो कार्यवाहियां होंगी, कार्यपालक वाली जो कार्यवाहियां हैं, ओके जैसे कि कोई आदेश जारी करना, कोई भी शासन से संबंधित जो चीजें हैं, तो जो संघीय शासन चलेगा वो किसके नाम पर चलेगा, राष्ट्रपति के नाम पर चलेगा, किसके नाम पर चलेगा, राष्ट्रपति के नाम पर चलेगा। ओके राष्ट्रपति के नाम पर चलेगा, यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ, देखिए ये अर्थ है, ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे, हम आपको इस तरह से स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा वो माना जाएगा किसी मंत्री का नहीं है, बल्कि क्या माना जाएगा, ये पूरे मंत्री परिषद का है, इसीलिए किसी मंत्री विशेष का हस्ताक्षर नहीं होता है, इसीलिए किसी मंत्री विशेष का हस्ताक्षर नहीं होता, केवल किसका हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, इसी तरह राज्य स्तर की बात करेंगे तो राज्यपाल कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो मंत्री हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ओके मंत्री का नाम नहीं होगा जब भी कोई प्रस्ताव होगा, जब वो पारित होगा या फिर उस पर सिग्नेचर करने होंगे, भले ही वो किसी मंत्री विशेष के द्वारा लाया गया हो, किसी मंत्री विशेष के द्वारा लाया गया हो, फिर भी वहां पर उस मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होंगे, का नाम नहीं होगा। यानी कि आपको देखने को मिलेगा अगर न्यायालय में अगर जाया जाता है तो उस मंत्री के प्रति इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ओके तो सिर्फ मंत्री विशेष के प्रति कार्यवाही नहीं की जा सकती। ओके ये चीज आपको देखने को मिल गई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये आर्टिकल है ये तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं प्रधानमंत्री, लास्ट लेक्चर में जो पार्ट नंबर 20 आपको देखने को मिलेगा। ओके 78 आपको देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। देखिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है जो भी मंत्रिमंडल के द्वारा या फिर मंत्री परिषद के द्वारा जो भी वहां पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उनकी जानकारी राष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति को समय समय पर, राष्ट्रपति को समय समय पर, समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराए, जानकारी से अवगत कराए या फिर जानकारी उपलब्ध कराए। ओके ये क्या है, पीएम का कर्तव्य। इसी तरह से संघीय स्तर पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही है, क्या मुद्दे आ रहे हैं, उनकी सभी की जानकारी किसको दे, राष्ट्रपति को दे। और यह है किसका कर्तव्य है, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं करता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कह सकता है बेटा तुम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, तो फिर प्रधानमंत्री को ऐसा कर्तव्य
करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बताते हैं अच्छी अच्छी चीजों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो मेंस का क्वेश्चन है वो बोला जाता है जैसे कि जो आपको देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल है। ओके, मंत्री मंडल है। ओके, तो मंत्रिमंडल है वो चक्र के भीतर चक्र है, चक्र के भीतर भीतर चक्र है। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। ओके, तो 250 शब्दों में आप लोगों के लिए लिखना है। कैसे है आप लोगों को पता है, 250 शब्दों में आप लोगों के लिए लिखना है। ओके, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है वो है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, या मंत्रिमंडल के आकार पर टिप्पणी करें, के आकार पर टिप्पणी करें। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये भी कितने में पूछा जा सकता है, 250 शब्दों में। देखिए ऊपर वाला तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, चक्र के भीतर चक्र कैसा है वो आपको चक्र बना ये भी दिखा दिए थे फैमिली वाले उसमें। अब देखिए इसमें आकार पर एक बार टिप्पणी कर लेते हैं। ओके, तो इसका हम एक फ्रेमवर्क आपको बता देते हैं, उसी क्रम में आपको लिखना है और आराम से लिख देंगे, बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि अगर मंत्रिपरिषद है उसका आकार है वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, संतुलित आकार होना चाहिए, संतुलित आकार होना चाहिए। संतुलित आकार का मतलब क्या है, ना वो ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो। अगर देखिए मंत्रिपरिषद अगर बड़ी है, देखिए आगे पेज पे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं। अगर देखिए अगर मंत्रिपरिषद बड़ी है, बड़ा आकार है, ओके, एक्चुअली आज आपको एमसीक्यूज नहीं करा पाएंगे, दो बज गया है, मैंने टाइम देखा नहीं और हमें खाना खाने के लिए जाना है और नीचे से फोन आ रहा है बार बार। ओके, तो एमसीक्यूज वाला पार्ट है वो आप लोगों के लिए सेंड कर दिया जाएगा, अभी दो मिनट में सॉल्व करा देंगे। ओके, तो देखिए अगर इसका आकार है वो बहुत बड़ा है, ओके, तो आकार बड़ा होगा तो इससे आपको इसी के लिए देखिए आकार बड़ा होता है तो इसको एक और नाम देते हैं, लिखा देते हैं आपके लिए, ओके, जिसको बोलते हैं जिम्बो मंत्रिमंडल, जिम्बो मंत्रिमंडल। ओके, इसी तरह से जब आकार बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, अगर छोटा आकार होगा मतलब बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, तब इसके लिए छोटा मंत्रिमंडल बोलते हैं, छोटा मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो देखिए दोनों अवस्थाओं में आपको जल्दी से बता देते हैं, फिर हमें अभी जाना भी है। ओके, तो देखिए अगर बहुत बड़ी मंत्रिमंडल होती है तो क्या होता है, इससे समन्वय में, नंबर एक जो समन्वय होता है ना उसमें समस्या आती है, समन्वय की समस्या आती है, क्योंकि सभी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, तो कोई भी निर्णय लेना होता है देश से विकास से संबंधित, कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें समन्वय नहीं हो पाता है और वहां पर समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, समय भी ज्यादा लगता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा अगर बड़ा होगा तो सरकारी खर्च भी बढ़ेगा, सरकारी खर्च भी बढ़ेगा। ओके, तो ये समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर अत्यधिक छोटी है तो भी समस्या वाली बात है, ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए ना ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, अगर ज्यादा छोटी है तो इससे क्या होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण होगा। ओके, और इससे क्या आएगी, अंततः निरंकुशता बढ़ेगी। ओके, मतलब तानाशाही एक तरह से बढ़ेगी, क्या होगी, निरंकुशता आएगी, निरंकुशता की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये भी चीज अच्छी नहीं है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो अकुशल और अक्षमता, अकुशलता व अक्षमता का भी शिकार हो सकते हैं। ओके, देखिए अब कम लोग हैं, क्या मालूम उनको इतनी अच्छी नॉलेज हो ना हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं ना, जरूरी नहीं एक व्यक्ति हर मुद्दे पर अच्छी नॉलेज रखता हो,
तो इससे क्या हो सकती है कि अकुशलता क्षमता के कारण डिसीजन अच्छे से ना लिए जाए। ओके, जैसे कि अगर किसी चीज में, जैसे कि अगर स्पेस से रिलेटेड कोई चीज है या फिर रिलेटेड है, जैसे कि पर्यावरण से संबंधित, जीवों से संबंधित, इसी तरह से महिलाओं की समस्या, तो महिलाओं की समस्या है तो हो सकता है वो व्यक्ति अच्छे से ना जानता हो, आईटी से रिलेटेड तो हो सकता है आईटी में वो इतना अच्छा जानकारी ना रखता हो, तो इससे क्या हो सकता है कि अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए किसकी आवश्यकता होती है आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है संतुलित मंत्रिमंडल होना चाहिए, संतुलित मंत्रिमंडल होना चाहिए। तो आप लोग इस पर लिखेंगे, आराम से हम लोग लिख देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए एक बार हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं एमसीक्यूज, और देखिए एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, पहले इसका कलर चेंज करते हैं, रेड कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसका थोड़ा सा बड़ा देते हैं, एक्चुअली रुकिएगा एक सेकंड, एक्चुअली कुछ हो तो नहीं रहा इसमें, हाँ देखिए अब फुल हो गई स्क्रीन। तो देखिए इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया रखा है, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग हैं या फिर आप लोग हमारी ऐप इंस्टॉल किए तो वहां पर ऑलरेडी हम इसको डाल दिए हैं, जाकर के प्रैक्टिस में जाकर के कर लीजिएगा, वहां पर टेस्ट के रूप में इसको डाल दिए। ओके, तो देखिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन भारत के संविधान में वर्णित नहीं है। ओके, तो कौन वर्णित नहीं है, तो देखिए मंत्रिपरिषद है वर्णित है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कौन वर्णित नहीं, तो मंत्रिपरिषद है वो वर्णित है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा सामूहिक उत्तरदायित्व है ये भी वर्णित है। तो देखिए जिसमें एक और दो होगा वो गलत हो जाएंगे, तो देखिए इसमें एक है, कितना सिंपल हो गया, ये तो गलत हो गया, इसमें क्या है दो है ये भी क्या हो गया गलत हो गया, अब इसमें तीन है ये भी क्या हो गया गलत हो गया, बचा क्या इकलौता ये वाला बचा। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा तीसरा और चौथा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उत्तर सही है ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्णित नहीं है वो पूछा है, ये नहीं पूछा कि वर्णित है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, वर्णित है या नहीं है। ओके, यानी कि है या नहीं, कई बार होता है हम लोग सोच लेते हैं है और वहां पर लिखा होता है छोटा सा नहीं, जो क्या कर देता है हमारी जिंदगी में ही नथिंग ला करके छोड़ देता है। इसी तरह से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। ओके, नहीं कर सकता, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इधर देखिए दूसरा ऑप्शन दिया रखा है सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल है वो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, नहीं होता है, ये सॉलिसिटर जनरल होता है, दूसरा सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहला जो होता है वो अटॉर्नी जनरल देखने को मिलेगा, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में कल आप लोगों के लिए वीडियो मिलेगी, बहुत ही मस्त वीडियो आएगी, सभी लोग आकर के देखिएगा, पार्ट नंबर 22 पॉलिटिक्स। ओके, तो क्या हो गया पहला वाला सही है, तो यानी कि ये क्या हो गया भाई गलत हो गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो मंत्री परिषद कई बार प्रधानमंत्री के त्याग पत्र या उनके निधन के बाद भी कार्य करती है, इसमें देखिए आप लोगों को कई बार कर सकती है, आप लोग सोचेंगे कर सकती होगी यार, कर सकती होगी प्रधानमंत्री, मेरे को कोई बात नहीं कई बार छूट दे दी, नहीं आप अपने कॉन्सेप्ट जो आपको बना दिया है हमने उस पर ध्यान रखिएगा, बोले ना कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए अपवाद भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, भरोसा रखिए, आज चित्र ने जो आपको पढ़ाया है। ओके, तो देखिए जो भी आप इसी लेक्चर को जिसने देखा सभी के सभी आंसर हलवा की तरह कर देगा, देखा पीटी और मेंस कुछ भी नहीं, बस अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद की आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं करता है भाई, कौन बोले प्रधानमंत्री करता है, इसमें ये नहीं करते हैं भाई, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, गृह मंत्री और ये लोग नहीं करते। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन है वो इस अनुसार सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो देखिए इसमें बोला गया है, थोड़ा नीचे रखते हैं क्योंकि यहाँ पर लोगो भी आ रहा होगा, कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा, एक्चुअली इसमें और पेज कहाँ से लेंगे, 10-12 क्वेश्चन आ गए इसमें, इसमें एक्चुअली एक पेज गायब हो गया है, कोई बात नहीं वो बाद में लगा दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, हम लोग 10वां क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया रखा है राष्ट्रपति को उनके
कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन राष्ट्रपति को उसका निर्णय मानने के लिए बाध्यकारी होना होगा। यह उपबंध किसमें किया गया बताए ना, बाध्यकारी जो 42वां और 44वां, तो देखिए इसमें देखने को मिलेगा 42वां है ना, 44वां नहीं दिया रखा है। अगर दोनों दिया रखे हो तो दोनों को आंख बंद करके टिक लगा देते, जो भी पढ़ा रहे हैं देखिए सामने आ रहे हैं एकदम। तो क्या है, अच्छे से पढ़िएगा, सभी आंसर लिख लेंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। हम वहां पर अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं 42वां, 44वां आपको देखने को मिलेगा, ओके 44वां आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या बताया गया है। देखिए एक जो 11वां है वो आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 74 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 74 अभी हम आपको पढ़ाए थे, तो देखिए आर्टिकल 74 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है भाई, ये क्या लग रहा है हमको, ठीक लग रहा है। ओके चलिए हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। ओके तो चलिए ये भी हमको क्या लग रही है भाई, जो उनके परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। ओके चलिए ये भी क्वेश्चन क्या लग रहा है हमको, ऑप्शन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगी, और देखिए राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानेगा। अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी क्या है, ऑप्शन सही है। और देखिए अगले वाला भी देख लेते हैं, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो उसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगी, और राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानेगा और अपनी इच्छा से भी कार्य कर सकते हैं। नहीं भाई, अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकता है। तो आप लोग सोचेंगे हो सकता है यार कभी कभार कर लेता है अपनी इच्छा से, नहीं कर सकता, बताए थे ना अभी। ओके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था वो, उसमें भी तो बताए थे, तो हम लोगों को पता हुआ। भरोसा रखिए, पढ़ाए हुए अपने जो भी आपने हमने आपको पढ़ाया उसमें भरोसा रखिए, सभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, वरना अपने दिमाग से लगाएंगे यार कभी कभार कर लेता है यार, कोई परिस्थिति कभी कभार जरूरत नहीं पड़ती है, कर भी हुआ कभार तो कर लेते हो, ऐसा सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, जो आपने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखिए आप लोग, तो देखिए ये तो गलत हो गया। अब देखिए अब ये तीनों आंसर क्या है, तीनों आंसर सही लग रहे हैं। अगर देखिए अगर ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है पूर्णता, पूरी जो सेंटेंस है उसको पूरा कर रहा है, इसीलिए ये ज्यादा सही है। ये क्या है, ज्यादा सही है। कई बार देखिए यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सही गलत में नहीं पूछता है, बल्कि पूछता है सही में ज्यादा सही कौन सा हो सकता है, सही में ज्यादा सही कौन है, ज्यादा सही कौन है वो। जैसे अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तीसरा वाला नहीं होता, तो ए वाला ज्यादा सही लग रहा था। ओके अगर ए भी नहीं होता तो आपको ए वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन देखिए जो तीसरा ऑप्शन है, देखिए तीनों की क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, तो जो तीसरी चीज है वो सबसे ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी, पूरा सेंटेंस अच्छे से क्लियर कर रहा है। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जो उनके जो परामर्श के अनुसार कार्य करेगी, और राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानेगा, इसमें ये भी बोल दिया मानेगा, और ऊपर में क्या बोला कि राष्ट्रपति उसके परामर्श को मानेगा नहीं मानेगा ये बताया नहीं है, मतलब उसको लाइन को छोड़ दिया, अधूरा रह दिया थोड़ा सा। लेकिन अगर ये तीसरा वाला नहीं होता तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होता, दूसरा वाला भी नहीं होता तो पहला वाला होता। समझे आप लोग किस तरह से, यानी कि एक ऑप्शन पढ़ के कभी आंसर मत करिएगा, वरना क्या हो जाएंगे, खेल जाएंगे आप लोग। इसी तरह से देखिए आप लोग लगाएंगे, सभी लगा देंगे, सभी बहुत शरण है, एकदम हलवा है जो भी आपको पढ़ा दिया। अभी हमको जाना है, टाइम बहुत हो गया, इसलिए लेक्चर को ओवर करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेंगे। अगर इस तरह के लेक्चर कहीं देखने को मिले तो अनलाइक करके जाइएगा, अगर आपको ना मिले तो लाइक करके जाइएगा और सभी लेक्चर आकर के देखिएगा। ओके जो लोग हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन हो जाए, सिर्फ 99 रुपए प्रतिमंथ, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पीटी और मैथ दोनों के लिए प्रिपेयर कराते हैं। ऐसे नहीं यूट्यूब पर जो 15 मिनट में 20 मिनट में पता के चले जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, फिर आपके तोते उड़ जाते हैं पेपर में बैठने पर, तो यहाँ पर तोते नहीं उड़ेंगे जो अच्छे से वीडियो को देखेगा। ओके चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और आप लोग आकर के जो हमारी अदर सीरीज चल रही